वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज मेरे पास एक टीवी आया है सोनी का। इसका मॉडल नंबर देखिए क्या है। इसका मॉडल नंबर है KLV-24P4-12C। तो ये मॉडल नंबर है। इसमें प्रॉब्लम आया है कि ये आवाज़ तो देता है पर पिक्चर नहीं देता है। इसको हम पहले से खोल करके रखे हुए थे, अगर खोलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हम इसमें समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि कैसे इसे रिपेयर किए हम। इसमें प्रॉब्लम है कि पिक्चर नहीं आ रहा है, आवाज़ आ रहा है। चलिए लाइन देख करके देख लेते हैं। देखिए आवाज दे रहा है पर पिक्चर नहीं दे रहा है। इसमें हम टीवी को उठा कर देख रहे हैं। देखिए पिक्चर कुछ भी नहीं आ रहा है पर आवाज आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम इसको चेक करेंगे। हम सबसे पहले ऐसे फॉल्ट में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पैनल VCC देखेंगे। यहाँ पर कितना वोल्ट का पैनल है, पैनल तक करंट पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, पैनल कितने वोल्ट का लगा हुआ है। तो ये पैनल के नंबर से डाटा शीट डाउनलोड कर लीजिए आप लोग भी, हम भी कर लिए हैं, चेक किए हैं, देखे हैं। तो ये 12 वोल्ट का पैनल है और वैसे भी वहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि 12 वोल्ट हमारा पैनल तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जहां पर LVDS केबल लगा रहता है वहां पर देखिए, यहां पर इस कॉइल से LVDS पर जाता है 12 वोल्ट। देखिए 2.98 है, तो ये बहुत कम है क्योंकि वहां पर 12 वोल्ट जाना चाहिए था पैनल में और ये आ रहा है 2.98। तो ये बहुत कम है। और यहाँ भी VCC देख लीजिए, 12 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है पर यहाँ पर भी देखते हैं 3 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो ये नहीं आना चाहिए था, 12 वोल्ट आना चाहिए था क्योंकि 12 वोल्ट का पैनल है तो 12 वोल्ट पर ही ये ऑन होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम अलग से एक 12 वोल्ट देंगे स्टेप डाउन बक कन्वर्टर से। तो अभी हम पहले इसका कॉइल का कनेक्शन छुड़ा देते हैं, कॉइल से जो यहाँ पर 3 वोल्टेज आ रहा था। तो कॉइल अगर हटा देंगे तो वहाँ पर कनेक्शन उसका जाना बंद हो जाएगा। तब हम कॉइल के अगले सिरे से आउटपुट 12 वोल्ट दे करके देखेंगे कि टीवी ऑन होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम पहले कॉइल को निकाल लेते हैं। कॉइल निकल गया। अब इसमें हम स्टेप डाउन बक कन्वर्टर के द्वारा 12 वोल्ट इसमें देंगे और तब देखेंगे कि टीवी ऑन हो गया या नहीं हो गया। हमें लग रहा है हो जाना चाहिए क्योंकि फॉल्ट पहले ही पकड़ में आ गया है कि 3 वोल्ट आ रहा था वहाँ पर, जबकि वहाँ पर 12 वोल्ट आना चाहिए। शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने इसका तार का कनेक्शन कर दिया है। अब इसको देखिए कि 12 वोल्ट, अगर इसमें 12 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है तो इस यहाँ पर प्रीसेट दिया हुआ रहता है, इसमें ब्लू वाले देख रहे हैं, ब्लू वाले के ऊपर गोल्ड कलर का, तो उस प्रीसेट को इधर उधर करके घुमा करके वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। तो मैंने इसका तार का कनेक्शन कर दिया है। अब देखते हैं कि पिक्चर आ गया या नहीं आ गया। ये देखिए पिक्चर आ गया बढ़िया से एकदम। प्रॉब्लम था कि 12 वोल्ट पैनल तक नहीं जा रहा था, जबकि पैनल 12 वोल्ट का था और जा रहा था 3 वोल्ट पर तो ऑन होता नहीं। तो पहली बार में ही हमें प्रॉब्लम समझ आ गया, फॉल्ट पकड़ में आ गया, नहीं तो और भी ज़्यादा लंबा वीडियो बन सकता था। तो चलिए एकदम बढ़िया चल रहा है। तो ऐसी फॉल्ट में हम पहले VCC चेक करते हैं, फिर पैनल का वोल्टेज चेक कर